我真的不来发了。你怎么？发了发了了。啊，发了了。啊，别发了。嗯，好了嘛。发了就。嗯，说出来，说出来。发了，发给你，来，发给他。चांद भी दिखे आप दिमाग को चांद कैमरा उपले और कर दो ले ले ये नया है अगर इनके चप्पल के लिए तो नया बोट इतना बड़ा है ना ये खड़ा हो तो चांद देखेंगे तो चांद देखेंगे दीवार का मतलब है तो देख आप लोग चल रहे हो चल रहे चल रहे हो और जोड़ा मन ए ने पढ़ा दे ठीक है पानी का देख रहा है और ने कौन सामने जद्दी के छिपी के पानी है ये आई को टच ने डंडा को टच को चलो 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 देखो नहीं चो या वक्त पड़ रहे बदन ना तकलीफ ये रोज करवा चौथ आए ना तो मेरे ख्याल से तो पति और पत्नी दोनों पागल हो जाए। पता है वाह अभी मैं क्या कर रही थी, मैं मेरी बहन के पास फोन करने वाली थी, अभी जस्ट उसने फोन किया था लेकिन मैं उठा नहीं पाई और मैं आई और मैं जस्ट नीना की बजाय मैं सुहानी के पापा को कॉल कर रही थी नमस्कार। और ये बोल रहे चलो यहाँ पे तय बात भी कर लेते हैं, तो चलो मैं इनसे बात कर लेती हूँ। मैंने अभी चौथ पूजा कर ली, अभी बज रहे हैं 8, तो शायद चांद तो होगा नहीं होगा, पता नहीं कितने बजे होता है, मुझे तो ध्यान भी नहीं है। तो अभी तो बस एक तारा दिख रहा है मुझे, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं बात कर लेती हूँ। मुझे कुछ नहीं लग रहा, बस भूख तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही, बस प्यास लग रही है, सुबह से क्या पानी नहीं पिया ना तो गला थोड़ा सूख रहा है। वैसे नहीं लगती लेकिन जब कोई दूसरे को पानी पीते देखती हूँ ना तब ज़्यादा लगती है मुझे प्यास। और ये ड्रेस कैसी लगी, ये मेरी दुल्हन की ड्रेस थी तो मैंने पहन ली क्योंकि आज करवा चौथ था, तो मैंने चलो पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं, तो मैंने मेरी दुल्हन वाली ड्रेस पहन ली। मैं चौथ मतलब दिवाली हो या चौथ माता व्रत हो, मैंने मतलब अलग से कभी भी ड्रेस नहीं खरीदा कि भाई चौथ माता का व्रत है तो अलग से हमको ड्रेस खरीदे, जो हमारे पास पहले से होती है ना मैं उसको ही पहन के पूजा कर लेती हूँ। ठीक है नहीं जाती है पानी पिलाते हैं बंद कर दिया आवाज़ को।
बेटा पानी ना ये मेरा झूठा बेटा इसको मैं नहीं पिला सकती ना, आज मेरा व्रत था ना तो आप लोगों को इसमें से पानी नहीं पिला सकती है ना। नहीं बेटा इसको गोद अंदर मत लो, तुम फोटो आ रही है वीडियो में, लगा दी फोटो, लगा दी उधर है इनको, लगा दी सबको फोटो। अरे बेटा फोटो तो लाओ, फोटो ही आ रही है। गाइस बच्चे बहुत देखते हैं तो सॉरी, जब से जिद कर रही है मेरे से भैया पानी पिलाऊंगी मैं। हाँ बेटा मत पिया। गाइस ये लोटा दिख रहा है आपको, ये ना मैंने घर पे जुगाड़ करके बनाया था, पानी अब खत्म हो गया, गिलास में पानी लेके आओ उसको। ये मेरा घर का लोटा है जिससे मैं पानी यानी भरती हूँ। तो क्या मैं बाजार गई थी ना तो वही 350 की प्लेट दे रहे थे वो, तो भैया मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे जुगाड़ करूँ, जुगाड़ में मैं कर रही हूँ। और ये मैंने चलनी, तो इस चलनी का गोटा मांगा तो वो मिल रहा था 30 रुपए का, चलनी मिल रही थी 40 की, तो मैं चलनी तो ले आई। और यहाँ पे जो अपनी पूजा की थाली होती है ना, तो ये मैंने प्लेट ली थी, मेरी पूजा की प्लेट है तो इसमें मैंने लाल चुन्नी लगाई, खाले। ये मैंने प्लेट बना दी, मेरा पानी पीने का लोटा था इस पर मैंने, हाँ ये लटकन सी है ना ये कवर किया थे, एक ये लेस थी, इस लेस को मैंने इस लोटे पर लगाया और देखो कितना सुंदर जैसा बाजार में लगता है ना बिल्कुल वैसा प्यारा सा लोटा बन गया मेरा। आप लोग भी करते हैं ऐसे मेरी तरह जुगाड़। अब इसको मैं खोलूंगी, यहाँ से मैंने सिल दिया था इसको, बहुत मेहनत की मैंने दिन में। और ये वाला है मेरा पूजन वाला जो करवा होता है ना उसका, तो इस पे तो हम जो गणेश जी को और वहाँ पे अर्घ देते हैं अपन, चंद्रमा को वहाँ पे इसमें अर्घ देते हैं अपन, ये दे दिया मुझे। और हमारी पूजा यहाँ पे हो चुकी है, पूजा हमारी हो चुकी थी संपन्न। और भैया मैं रखने भूल गई इसमें ये पैसा, तो मुझे बाद में याद आया, बाद में मैंने यहाँ पे रखा, मुझे नहीं पता बिंदी कितनी लगाते, तो मैंने 7 बिंदी लगा दी यहाँ पे अपनी इसमें से निकाल के। और ये भाई ये करवा को तो उठा के ले गए चींटियां, भाई कितनी सारी चींटी हो रही है यहाँ देखो, हमारे घर में चींटियों का बवाल इतना ज्यादा रहता है, अब क्या करोगे यार, करवा को तो चींटी खा गई, देखो कितनी सारी चींटी हो रही है, अरे भगवान करवा को चक्कर पर है वे नहीं यार। और ये रहा सिंगार पूरा, यहाँ पे सिंगार रखा हुआ है भाई, चूड़ा बता देगी तो चूड़ा को रख देती हूँ मैं। सुहानी कुप्पी मत खराब कर बेटा, ठीक है ना, तेरी दादी लेगी अब इसको। और इसमें है पापा के धोती कुर्ता और तोलिया, तो ये भी रखे हुए हैं, इनको भी मैं रख देती हूँ। अरे पन्नी खा गई रही यहाँ की, इस चीज़ पन्नी पन्नी में रखती हूँ यार, चूड़ा बूढ़ा पैकिंग कर लो, तो इनको बाद में उठाऊंगी, पहले मैं खाना खा लेती हूँ भाई, क्योंकि मुझे गाइस मुझे मेरा व्रत खोलना है। चूड़ा रखा है इसमें, तो इसको मैं ना स्टोर रूम में रख के आ जाती हूँ, मैं ही भूल जाऊंगी ना तो मैं ही गिरा दूंगी बच्चों का क्या, मैं खुद बहुत ज़्यादा भूलती हूँ। मैं सोच रही थी व्रत बाद में खोल लेती, पहले मैं मेरे कपड़े खोल लेती यार, बहुत है ना परेशानी होती है इन कपड़ों में। तो बैठ गए आप खाना, रोटियाँ खाएं, तो हम पूजन में हमने क्या क्या बनाया मैं आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ पे मैंने खीर बनाई थी, मैंने बोला स्वामी के पापा से मैंने चावल लिया खीर, लेकिन इन्होंने बोला जो चावल बनाते ना अपन, हाँ नमक की डब्बी है ही नहीं है बेटा, खराब हो गई, तो नमक किसमें लेके जाएगी, इस वजह से पूरी खीर है ना चावल बन गई यार, मतलब खीर के चावल नहीं लेके आए ना उनकी लापरवाही से मेरी खीर खराब हो गई। उन्होंने बोला वापस जाऊंगा मैं, तो अब नहीं जा रहा, वो 3-4 बार जा चुके थे ऑलरेडी पहले, तो वो नहीं गए, तो उनकी जिद पे मेरी खीर भी खराब हो गई। फिर आंटी जी के घर गई मैं, उन्होंने बोला कि माता जी को भूख पुआ का लगता है, फिर मैंने फटाफट से पुआ बनाया। और दुकान वाले के घर गई, दुकान वाले ने बोला कि चना और गुड़ और क्या बोलते हैं माता रानी के नारियल का भूख लगता है, तो मैं वो भी ले आई। और फिर मैंने सोचा एक मिठाई भी जरूरी है, तो फिर मैं रसगुल्ला लेके आई थी मिठाई में, ये देखो ठंडा ठंडा अच्छा भी लगेगा खाने में भी, सुहानी छुटकी को भी बहुत पसंद है ये खीर, तो कौन खाएगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है खीर, खीर मैंने पूजा के लिए ही बनाई थी और वो अच्छी भी नहीं बनी।